नमस्कार, आप देख रहे हैं द न्यूज पोस्ट, मैं हूं रंजना। 14 जुलाई से पावन श्रावण माह की शुरुआत हो गई है। सावन महीने में भक्त अगर भगवान शिव को जलार्पण करते हैं तो उसका अलग ही महत्व होता है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार सावन यानी श्रावण महीने में माता पार्वती ने तपस्या करके भोलेनाथ को प्रसन्न किया था और उन्हें पति रूप में प्राप्त किया था। इसलिए भी भगवान भोलेनाथ को यह महीना अत्यधिक प्रिय है। यह भी माना जाता है कि भोलेनाथ सावन महीने में ही धरती पर अवतरित हुए थे और अपने ससुराल गए थे और वहाँ उनका स्वागत अर्घ्य और जलाभिषेक से किया गया था। माना जाता है कि प्रत्येक वर्ष सावन महीने में भगवान शिव अपने ससुराल आते हैं। भूलोक वासियों के लिए शिव कृपा पाने का यह उत्तम समय होता है। इतना ही नहीं, पौराणिक कथाओं में वर्णन आता है कि सावन महीने में समुद्र मंथन किया गया था। समुद्र मंथन के बाद जो हलाहल विष निकला उसे भगवान शंकर ने कंठ में समाहित कर सृष्टि की रक्षा की, लेकिन विषपान से महादेव का कंठ नीलवर्ण हो गया। इसी से उनका नाम नीलकंठ महादेव पड़ा। विष के प्रभाव को कम करने के लिए सभी देवी देवताओं ने उन्हें जल अर्पित किया, इसलिए शिवलिंग पर जल चढ़ाने का खास महत्व है। यही वजह है कि सावन महीने में भोले को जल चढ़ाने से विशेष फल की प्राप्ति होती है। मगर हिंदू कैलेंडर के मुताबिक हर एक साल सावन महीने की अपनी अलग अलग विशेषताएं होती हैं। हम इस वीडियो में आपको बताएंगे इस वर्ष का सावन आपके लिए क्यों विशेष है और इस वर्ष की सोमवारी न सिर्फ कुंवारी कन्याओं के लिए बल्कि पूरे भारत के लिए कैसे शुभकारी साबित होगा। शिव का नाम सोमेश्वर है और सोम चंद्रमा को कहा जाता है, इसलिए सोमनाथ भी शिव है। सोम चंद्र को राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था और वो लुप्त हो रहे थे, जिसके बाद ब्रह्मदेव ने सोम चंद्र को कहा कि आप महादेव की प्रार्थना करिए, तभी सब कुछ ठीक हो सकता है। जिसके बाद सोम चंद्र ने महादेव की पूजा की और फिर क्या हुआ सुनिए पुरोहित दुर्लभ मिश्रा से। देखिए, शिव जी का जो है उनका नाम सोमेश्वर है, ऐसे सोम चंद्रमा को कहा जाता है, इसलिए सोमनाथ भी वो है। सोम चंद्रमा का जो है राजा दक्ष ने श्राप दे दिया था और वो लुप्त हो रहे थे, क्षय हो रहे थे रोज रोज। उनको नारद जी ने कहा कि महादेव की, ब्रह्मा जी ने कहा कि आप महादेव की प्रार्थना कीजिए, तभी आप कुछ हो सकते हैं। महादेव का पूजा और प्रार्थना चंद्रमा करने लगे। उसके बाद महादेव ने उनको आशीर्वाद दिया कि दक्ष राजा उनके ससुर थे तो उनका श्राप भी रहे बरकरार और चंद्रमा भी क्षय नहीं हो। तो इसके लिए एक मास में चंद्रमा जो है आधा पक्ष, जिसको कृष्ण पक्ष कहते हैं, उसमें चंद्रमा का क्षय होता है और जो शुक्ल पक्ष होता है उसमें उदय होता है, तो दोनों का शक्ति बढ़ते जाता है। पूर्णिमा में चंद्रमा पूर्ण होता है, अपराध शक्ति होता है और पूर्णिमा के दूसरे दिन चंद्रमा क्षय होना शुरू हो जाता है। तो उसी चंद्रमा का नाथ जो है महादेव है, इसीलिए सोमवार जो दिन होता है वो चंद्रमा के शक्ति को, जो कि दक्ष राजा के श्राप के बावजूद भी महादेव ने शक्ति को शक्ति दिया और उदय का आशीर्वाद दिया, जिससे चंद्रमा आज पृथ्वी को कल्याण कर रही है। वैसा ही योगदान जो है नारद जी ने पार्वती जी से कहा था कि अगर आप महादेव को प्राप्त करना चाहते हैं तो षोड़श सोमवारी का व्रत आप कीजिए, और षोड़श सोमवारी का व्रत माता पार्वती ने किया और उसके बाद उन्होंने महादेव का वरण किया, उनसे शादी हुई। तो कुमारी कन्या के लिए षोड़श सोमवारी का व्रत आवश्यक है, पुत्र संतान के लिए षोड़श सोमवारी का व्रत आवश्यक है, धन वैभव वृद्धि के लिए षोड़श सोमवारी का व्रत आवश्यक। इस बार का सावन बहुत ही शुभ दिन में प्रारंभ हो रहा है। देवताओं के गुरु जिसे बृहस्पति देव कहते हैं, उसी दिन से इस बार सावन महीने की शुरुआत हो रही है, इसलिए इस वर्ष कष्ट लोगों को कम मिलेगा। शारीरिक समृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा, देश और फसल भी अच्छी होगी। इसके साथ ही देशवासियों को सुख समृद्धि और वैभव की प्राप्ति होगी। इस वर्ष का नाग पंचमी भी बेहद खास है।
जी श्रावण इस बार बहुत ही शुभ दिन में आरंभ हो रहा है। श्रावण में बृहस्पतिवार गुरु, देवताओं के गुरु जिनको बृहस्पति कहते हैं, उसी दिन से आरंभ हो रहा है। इसलिए इस बार जो है सो कष्ट लोगों को कम मिलेगा, शारीरिक समृद्धि होगी, ज्ञान का विकास होगा और धन और वैभव ये सब का बहुत अत्यधिक विकास होगा इस बार। माने देश में जो है सो धन की उपादेयता ज़्यादा होगी, सारा देश सुखी रहेगा, फसल भी अच्छे होंगे। बृहस्पति का योग है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र के साथ साथ सर्वणा नक्षत्र पड़ता है जिसमें सुख समृद्धि और वैभव होता है। सावन जो आरंभ का पहला दिन पड़ता है प्रतिपदा तिथि में, दूसरा सावन में जो सोमवारी है इस बार वो नाग पंचमी पड़ता है। नाग पंचमी श्रावण महीना में ही पड़ता है और ये भगवान शिव के गले में उतरने वाले वासुकी नाग का उस दिन आविर्भाव दिवस कहिए या अभयदान दिवस कहिए, जो इस पृथ्वी पर कल्याण करने के लिए अपने सारे जीवों को सुरक्षित रखने के लिए नाग देवता की पूजा होती है। सोमवार को जल, बेलपत्र, पुष्प और दूध चढ़ाकर पूजा कर सकते हैं। दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, चीनी से बनाए पंचामृत का अलग ही महत्व है। पंचामृत भगवान शिव के लिए अमृत के समान है। कैसे बनाए पंचामृत जिससे भगवान शिव प्रसन्न हो, देखिए। देखिए, अगर सोमवार को आप एक तो जल, पुष्प, बेलपत्र चढ़ा सकते हैं, जल, पुष्प, बेलपत्र और दूध चढ़ा सकते हैं। यदि आपको बृहत पंचोपचार पूजा करना है तो पहले पंचामृत बनाना होगा, दूध, दही, घी, मधु, शक्कर, चीनी। देखिए, पंचामृत में जैसे थोड़ा दूध डाल दिए, थोड़ा घी डाल दिए, थोड़ा दूध दही डाल दिए, थोड़ा मधु, ये पंचामृत नहीं होता। वह पांच जो तत्व है वो अमृत तत्व है और उसको अगर मात्रा के अनुसार अगर आप बना के चढ़ाइएगा तो महादेव को आप अमृत चढ़ा रहे हैं। कोई भी बीमारी हो, चाहे वो कैंसर से पीड़ित हो, चाहे वह किसी भी शरीर की बीमारी से हो, अगर वो पंचामृत नित्य चढ़ाता है तो उसको शारीरिक कष्ट निश्चित निश्चित और महानिश्चित तौर से समाप्त होगा। इस वर्ष का सावन महीना विवाहित महिलाओं के लिए काफी लाभकारी है। जिन महिलाओं को पुत्र की प्राप्ति चाहिए वो कैसे पूजा करें, देखिए। वह द्वादशी अप्रदोष, त्रयोदशी संयुक्त है, उसको प्रदोष काल कहते हैं। प्रदोष अगर सोमवार मिल जाता है वह पुत्र प्राप्ति के लिए बहुत उत्तम पाया जाता है। तो जिसको संतान नहीं हो रहा है उस दिन षोडशोपचार पूजा, पार्थिव लिंग की पूजा अगर लोग करेंगे, घर में ही बैठ के कर सकते हैं, तो वैसे लोगों को मन इच्छित फल प्राप्त होगा। ये जाकर के दूसरा सोमवार का संयोग है। सावन इस बार बहुत ही उत्तम नक्षत्र में, उत्तम दिन में प्रवेश कर रहा है, तो हमें लगता है कि इस बार देश का जो है सुख और समृद्धि जो श्रावण के महीने से आरंभ होता है, पंचतत्व जीवात्मा का जो संरक्षण होता है, ये महादेव की कृपा से ठीक रहेगा। तीसरी सोमवारी पंचमी है, कुछ लोग उत्तर प्रदेश के लोग उसको नाग पंचमी के रूप में मनाते हैं, लेकिन उसको हम लोग जो है शिव पंचमी के रूप में मानते हैं तीसरी सोमवारी। क्योंकि चंद्रोदय का काल हो जाता है, अमावस के बाद चंद्रमा उगते लगता है, तो चंद्रमा अगर मजबूत स्थिति में रहे तो नाग और नागिन दोनों का जो है पृथ्वी पर वास होता है, और जहाँ नाग और नागिन का वास हो वहाँ लक्ष्मी की प्रचुर मात्रा में आगमन होता है, इसलिए तीसरी सोमवारी वो है। चौथी सोमवारी पड़ता है एकादशी, उपरांत द्वादशी, वो सामान्यतया ठीक है, उसका कोई विशेष नहीं। अंततः इस वर्ष का सावन व्यक्तिगत और पूरे देश के लिए लाभकारी साबित हो। द न्यूज पोस्ट की पूरी टीम भगवान शिव से प्रार्थना करती है कि हमारे सभी दर्शकों के लिए इस वर्ष का सावन मंगलमय हो।
तमाम इसी तरह की अपडेट्स के लिए बनी रहिएगा द न्यूज पोस्ट के साथ। नमस्कार।